हेलो गाइज, मैं हूं सर्वेश और आप देख रहे हैं न्यूज़ टिप। दोस्तों, आज का ये वीडियो इंपॉर्टेंट है उन सभी लोगों के लिए जिन्होंने ई श्रम कार्ड बनवा लिया है अपना। और आज हम आपको बताने वाले हैं कि किस प्रकार से आप अपने ई श्रम कार्ड से गवर्नमेंट के एक पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, जहां पे आपको एक और कार्ड मिलेगा और उससे आपका कैरियर बन सकता है, आपको कहीं जॉब भी मिल सकता है। क्योंकि उन्हीं लोगों का ई श्रम कार्ड बनवाया गया है जो लोग अभी अनएम्प्लॉयड हैं और या कहीं पर कुछ काम कर रहे हैं। तो गाइज, अगर आप पढ़े लिखे हैं, आप ग्रेजुएट हैं, 10+2 आपने कर रखा है और आपके पास ई श्रम कार्ड है, तो हम आपको लेके चल रहे हैं एक पोर्टल पे, जहां पे आपको बताएंगे कि कैसे आप वहां पे अपना पूरा रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। जो भी आपके पास डिग्रियां हैं, जो भी मार्कशीट है, वो सारा कुछ आपको वहां पे लगा देना है और साथ में वहां से आपको एक कार्ड मिल जाएगा, ई श्रम कार्ड की तरह एक और अनएम्प्लॉयड कार्ड आपको मिल जाएगा, जिससे आपको मदद मिलेगा भविष्य में गवर्नमेंट की तरफ से कोई जॉब या वैकेंसी, या वहां पे बहुत सारी वैकेंसीज होती हैं, वहां पे आपको ऑफर आएगा और आपको आराम से कोई ना कोई वैकेंसी में आपको जगह मिल ही जाएगा। तो आइए देख लेते हैं क्या करना होगा, कैसे आपको ये वाला कार्ड मिलेगा। तो गाइज, यहां पे आपको दिखाई पड़ रहा होगा, आपको ncs.gov.in इस पोर्टल पे जाना है, ncs.gov.in। गाइज, यहाँ पे .gov लगा है, यानी कि ये डोमेन गवर्नमेंट का है, यानी ये कोई फेक वेबसाइट नहीं है। यहाँ पे आप अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे, आप इस पोर्टल को जैसे ही ओपन करेंगे, आपके सामने यहाँ पे कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलेगा। क्योंकि आप अभी काम नहीं कर रहे हैं, जॉब सीकर हैं, तो जॉब सीकर वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आपको रजिस्टर करना होगा। रजिस्टर करने के बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा ई श्रम कार्ड से आपको यहाँ पे पंजीकरण करना है। ई श्रम पे जैसे आप सिलेक्ट करेंगे, फिर आपको अपना ई श्रम नंबर जो आपको मिला है जब भी आपने रजिस्ट्रेशन कराया है, इस प्रकार से ई श्रम कार्ड जो आपका होता है, इसमें जो नंबर नीचे दिया होता है, ये नंबर यहाँ पे डालेंगे आप। और इसको डालने के बाद आप अपना डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करेंगे जो कि आपके ई श्रम में दर्ज हो। तो यहाँ पे जो डेट ऑफ बर्थ है वो मैं डाल ले रहा हूँ। प्रीफिल फॉर्म ई श्रम, इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे, आपको एक OTP आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे भेजा जाएगा, वो OTP यहाँ पे डालेंगे। OTP डालने के बाद जैसे ही आप वेरीफाई करेंगे गाइज, यहाँ पे सारा डेटा ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा। और मैंने यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर दिया है, और फिर गार्जियन या फादर नेम में आप अगर नहीं भरा हुआ है तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। आगे बढ़ जाएंगे, यहाँ पे ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर सब कुछ पहले से रजिस्टर्ड है। अब यहाँ पे आपको अब एक पासवर्ड बना लेना है, तो मैं यहाँ पे एक पासवर्ड बना लेता हूँ। आप अपना यूजर आईडी क्या रखना चाहते हैं, क्या अपना ईमेल आईडी ही अपना यूजर आईडी बनाना चाहते हैं, या यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर अपना आधार बनाना चाहते हैं, या एनसीएस आईडी बनाना चाहते हैं। तो एनसीएस आईडी मतलब अभी जो यहां से आईडी आपका जनरेट होगा उसी को यूजर आईडी बनाना चाहते हैं, तो यहां पे एनसीएस आईडी को ही मैंने सिलेक्ट कर दिया है। और फिर एम्प्लॉई स्टेटस क्या है, आप अनएम्प्लॉयड हैं तो अनएम्प्लॉयड में डालेंगे, अगर सेल्फ एम्प्लॉयड है तो सेल्फ एम्प्लॉयड भी डाल सकते हैं। यहाँ पे आपको आपके अंदर क्या स्किल है वो आप डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे जैसे मैंने डाल दिया डाटा एंट्री ऑपरेटर, यहाँ पे मैंने सिंपल डाटा एंट्री ऑपरेटर लिख दिया है। और यहाँ पे आपसे फिर पूछा जा रहा है कि आप इंटरनेशनल जॉब भी कर सकते हैं, अगर आपको कहीं पे कहीं आउटसाइड आउट ऑफ इंडिया से कहीं पे जॉब हो, वहाँ पे आपको भेजा जाए, तो क्या आप वहाँ जाएंगे जॉब करने के लिए। आप चाहें तो यस या नो कर दें, मैंने यहाँ पे नो कर दिया है। और फिर नीचे आ जाएंगे गाइज, और गाइज यहाँ पे फिर डायरेक्टली आप कैप्चा कोड डालेंगे और आप एग्रीमेंट को एक्सेप्ट करेंगे, फिर आप सबमिट कर देंगे। गाइज, जैसे इसे सबमिट करेंगे, आपको आपका रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा, आपके ईमेल को भी वेरीफाई किया जाएगा यहाँ से। तो आप ईमेल पे OTP भेजा जा चुका है, वो OTP भी आपको यहाँ पे डालना है। यहाँ पे देखें कि ये जो यूज़र आईडी आया है, यही मेन आईडी है, मैं इसको यहाँ से कॉपी कर ले रहा हूँ और इसे नोट पैड पे मैं रख ले रहा हूँ, क्योंकि अभी इसी से लॉगिन करना होगा हमें। यहाँ पे मैंने ईमेल आईडी वेरीफिकेशन का कोड डाल दिया है और ईमेल भी वेरीफाई हो चुका है गाइज। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम दोबारा से क्लिक हियर करेंगे, अब हम अपने पोर्टल को लॉगिन करेंगे। और पोर्टल को लॉगिन करने के लिए हमने अभी वही आईडी जो मैंने कॉपी किया था उसी को यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ये आईडी बाय द वे आपकी खो जाती है तो आपको मोबाइल पे और ईमेल पे दोनों जगह आपको मैसेज में मिल जाएगा, वहाँ पे भी ये आईडी आपको मिल जाता है। फिर मैं यहाँ पे वो पासवर्ड डालता हूँ जो पासवर्ड अभी हमने बनाया था, और फिर हमारा पोर्टल लॉगिन हो जाएगा। गाइज, पोर्टल लॉगिन हो गया है, यहाँ पे हमें क्या करना होगा, अगर आप कहीं पे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में या कहीं पे जॉब ढूंढना चाहते हैं, तो यहाँ पे जो यहाँ कुछ कीवर्ड डाल करके आपको जावा पे, आपको डाटा एंट्री ऑपरेटर में, अकाउंटेंट में, किस डिपार्टमेंट में आप काम करना चाहते हैं उसको यहाँ पे टाइप करके सर्च वाले बटन पर क्लिक करके आप कोई जॉब ढूंढ सकते हैं। अगर है तो वहाँ पे आवेदन भी कर सकते हैं, लेकिन उसके पहले आपको इस पूरे पोर्टल को मेंटेन कर लेना होगा कि क्या क्या आपको यहाँ पे कर सकते हैं, वो सारा कुछ हम आपको दिखाएंगे बताएंगे। अगर आप कोई जॉब ढूंढ रहे हैं तो यहाँ पे आप अपना जॉब सर्च कर सकते हैं, और जो भी कंपनी
या गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट, जहां पे भी अवेलेबिलिटी होगी वहां पे प्रायोरिटी के तौर पे आपको जॉब दिया जाएगा, क्योंकि आप श्रम कार्ड के थ्रू यहां पे आए हैं, रजिस्ट्रेशन करवाए हैं। तो फिर आपको क्या करना है, आपको अपना प्रोफाइल भी मेंटेन यहां से कर सकते हैं, जो भी चीज़ें आपके पास हैं। व्यू अपडेट NCS प्रोफाइल, इस पर क्लिक करेंगे, सारा प्रोफाइल अपना मेंटेन करेंगे और यहां से जो आपको कार्ड मिलेगा, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि आपको यहां से एक कार्ड मिलेगा, वो मैं आपको बता दूं कहां से मिलेगा। NCS रजिस्ट्रेशन कार्ड पे आप नीचे आकर के क्लिक करेंगे और फिर एक ये कार्ड बनकर के आ चुका है, इसमें आपका NCS ID, नेम, ईमेल ID, मोबाइल नंबर और सारा डिटेल लिखा हुआ है। आप इस कार्ड को यहां से डाउनलोड कर सकते हैं। आप सभी लोगों का, बहुत लोगों का क्वेरी होगा, सर ये कार्ड में फोटो क्यों नहीं आया, तो गाइस हम आपको बताना चाहते हैं, अगर आप फोटो यहां पे लाना चाहते हैं तो आपको पूरा प्रोफाइल अपना अपडेट करना होगा। व्यू अपडेट NCS प्रोफाइल पे दोबारा जाके क्लिक करेंगे और जितना भी आपके पास नॉलेज है, जो भी आपके पास सर्टिफिकेशन है, आपने क्या कर रखा अपने लाइफ में, क्या क्या क्वालिफिकेशंस आपके पास है, कौन कौन सा सर्टिफिकेशन आपके पास है, वो सारा कुछ, या कहीं पे आपने काम किया है किसी कंपनी में, तो वो सारा टोटल एक्सपीरियंस यहाँ पे डाल देंगे। आप डाटा एंट्री ऑपरेटर में कहाँ पे काम कर चुके हैं उसका सारा डिटेल यहाँ पे डाल देंगे, सारा कुछ ये पूरा फिलअप कर लेंगे और फिर आपको एजुकेशनल और ट्रेनिंग में क्या क्या सर्टिफिकेट आपके पास है वो भी सारा, मार्कशीट या आपके पास जो भी चीज़ें हैं वो यहाँ पे आप अपलोड कर देंगे। इसमें जैसे 10th पास आपने लिखा यहाँ पे, आप चाहें तो यहाँ से ग्रेजुएट कर लें और सारा सर्टिफिकेशन जो आपके पास है वो सब यहाँ पे एड मोर करके आप डाल सकते हैं। अदर क्वालिफिकेशंस में आप यहाँ पे, जैसे आपने कंप्यूटर सीखा है, CCC कोर्स कर रखा है, O-level कर रखा है, या अदर कोई आपके पास नर्सिंग डिप्लोमा है, या किसी भी प्रकार का आपके पास डिप्लोमा है, वो सारा आप यहाँ पे ऐड मोर करके अपना सर्टिफिकेट यहाँ पे लगा सकते हैं, उसके डिटेल के बारे में आप यहाँ बता सकते हैं। इसके बाद बात कर ले पर्सनल इन्फो में, तो आप खुद के बारे में क्या अपडेट करना चाहते हैं, अपना यहाँ पे प्रोफाइल में जो इनकम्प्लीट दिख रहा है, यहाँ पे ग्रेजुएशन मैंने अभी डाल दिया था, तो इस वजह से ग्रेजुएशन की क्वालिफिकेशन को यहाँ पे मांगा जाने लगा, क्योंकि जो इसमें स्टार्टिंग में बताया गया था इस पोर्टल में, वो ये बताया गया था कि जब श्रम कार्ड बनाया गया था कि केवल 10th क्वालिफिकेशन है इनका, लेकिन अभी हमने ग्रेजुएशन सेलेक्ट कर दिया तो इस वजह से ये मांगने लगा, आप 10th कर देंगे यहाँ पे तो फिर आर यू इंटरेस्टेड इन इंटरनेशनल जॉब, इसको यस या नो कर देंगे। फिर जो भी चीज़ें, इसे बार बार आप बदल भी सकते हैं, अपना ऑक्यूपेशन डालेंगे, डाटा एंट्री, फिर इसे अपडेट कर देंगे तो ये खत्म हो गया। अब ग्रेजुएशन डालेंगे तो ग्रेजुएशन किस स्ट्रीम से किया, कब किया, सारा कुछ आपसे पूछने लगेगा। और फोटो की बात मैं कर रहा था कि फोटो क्यों नहीं आएगा, तो फोटो यहाँ पे भी आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे यहाँ से सेलेक्ट इमेज करेंगे और यहाँ पे आप आकर के अपना फोटो आप सेलेक्ट कर लेते हैं। मैं एग्जांपल के लिए ये फोटो मैंने यहाँ पे अपडेट कर दिया और इसके बाद में ये सारा कुछ, जो कुछ भी आपसे पूछा जाएगा, मैरिटल स्टेटस, आप मैरिड हैं या अनमैरिड हैं, तो जैसे ये जिनका मैंने ये ओपन कर रखा है, अनमैरिड है तो मैंने अनमैरिड यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया है। और उसके बाद में रीजन क्या है आपका, तो रिलीजन आपका क्या है, तो हिंदुलिज्म है, हिंदुलिज्म सेलेक्ट कर देंगे। अगर आप जनरल OBC जो है वो अपना सेलेक्ट कर लेंगे। सारा कुछ इसमें जो कुछ भी चीज़ें आपको दिखाई पड़ रही हैं सब कुछ भरने के बाद इसको सेव कर देंगे। और उसके बाद फिर कम्युनिकेशन में आपको क्या चेंजेस करना है, जैसे आपका ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, आप तक कम्युनिकेशन कैसे करें, अगर गवर्नमेंट बॉडी से कोई आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो आपके ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर कैसे आपसे कम्युनिकेशन करें, उसके लिए यहाँ पे भी आप सारा डिटेल अपना अपडेट कर सकते हैं। और फिर प्राइमरी लैंग्वेज आपका क्या है, तो प्राइमरी लैंग्वेज जैसे पूरे ऑल ओवर इंडिया में बहुत सारे लैंग्वेज हैं तो इनका हिंदी प्राइमरी लैंग्वेज है। फिर यहाँ से डेटा को सेव कर देंगे। जब ये डेटा पूरा सेव कर देंगे उसके बाद जब आकर के आप यहाँ पे NCS रजिस्ट्रेशन कार्ड को ओपन करेंगे तो फिर यहाँ पे फोटो भी आने लगेगा और दोबारा से अपना आईडी कार्ड डाउनलोड करेंगे, आपको फोटो के साथ आपका आईडी कार्ड मिल जाएगा। ये आईडी कार्ड जरूर बना दीजिए आप अपना, अगर आपके पास ई श्रम कार्ड है तो। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आपको इससे कभी फ्यूचर में कोई लाभ हो जाएगा तो आपको ये वीडियो जरूर याद आएगा कि हाँ, सर्वे सर ने एक वीडियो बताया था जिसके माध्यम से मैंने ये वाला कार्ड बनाया था और इसमें कुछ लगना भी तो नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, निःशुल्क है। तो आशा करता हूँ आप ये कार्ड आज ही बना लेंगे और मिलूंगा किसी और अगले टेक्निकल वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।